हमारे पीछे बिस्कोमान देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अभी खड़े हैं गांधी मैदान में, और हमारे बाईं तरफ है बापू सभागार, जहां पे 2 तारीख को नीतीश जी बोले थे कि दहेज नहीं लेना है और बाल विवाह भी नहीं करना है। 5,000 लोग वहां पे था, सब लोग को शपथ भी दिलवाए थे। तो आज हम जानते हैं, चलिए पूछते हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे कि क्या वो दहेज लेंगे, लेंगे तो कितना लेंगे, और नहीं लेंगे तो काहे नहीं लेंगे भाई। नाम क्या है? श्लोक। अभी 2 अक्टूबर को नीतीश जी शपथ दिलाए थे कि दहेज नहीं लेना है, सुने थे ना? नहीं। तो आप, आपकी शादी हो गई? नहीं। नहीं हुई है? तो शादी में दहेज लेंगे? अगर देंगे तो जरूर लेंगे। अड़ी उगड़ी हो जाएगी तब भी लेंगे? नहीं नहीं, तब तो पैसा है तो क्यों लेंगे। अच्छा, तो बेरोजगारी में शादी करेंगे? नहीं, नौकरी होंगे तो शादी करेंगे। कहाँ से आए? हम बंगाल से। बंगाली में क्या होता है, बंगाली में दहेज दिया जाता है? जैसे पॉन लड़की के साथ शादी होगा ना, तो जैसे मेरे मम्मी पापा है, मैं लड़का हूँ, मैं कोई नौकरी करता हूँ, तो मेरा मम्मी पापा उस लड़की से, लड़की के पापा से पूछे जो इतना रुपये चाहिए, इतना पॉन चाहिए, इतना गहना चाहिए, या कुछ सामान वगैरह चाहिए, जैसे एसी हो या फ्रिज हो, ये सब। लेकिन मेरे हिसाब से जो लगता है, ये पॉन लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान के पास, जैसे कोई गरीब लड़की हो या बड़ी लड़की, बड़े घर की लड़की हो, सब एक समान नहीं होती है, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से पॉन लेना गलत बात है। पापा जी शपथ लिए हुए हैं कि दहेज लेना कानून अपराध है, इसलिए दहेज नहीं लेंगे। लेने के साथ साथ एक और चीज़ नीतीश जी शपथ दिलाए थे कि जिसके घर, मतलब जिसका शादी हो रहा है और वो अगर दहेज लिया तो उसके शादी में नहीं जाना, नहीं जाना है। तो आप भी नहीं जाएंगे? नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है। नहीं जाना, नहीं, हमको दहेज देना ही नहीं है। पिताजी बोले दहेज देना ही नहीं। प्रतिबद्ध है कि दहेज नहीं लेंगे? दहेज तो नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? ऐसा मेरे अंकल जी जो गार्जियन है वो बोलते हैं कि नहीं, दहेज नहीं लेंगे। आप क्या बोलते हैं? अंकल जी बोलते, तो बोलते हैं कि नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? क्योंकि इसको खत्म करना है जड़ से, दहेज प्रथा। चिनिया बादाम बेच रहे हैं, कितने साल से बेचते हैं गांधी मैदान? 8 साल। अच्छा, रोज आते हैं? हाँ, सामाजिक जो कुरुति है दहेज प्रथा उसको मिटना चाहिए, वो बहुत बढ़िया पहल है, हम उनका 100% साथ देंगे। बेटी का बाप मजबूर होता है, मेरी बेटी शादी करने लायक है, मैं लड़का ढूंढने जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ बाइक गाड़ी टीवी फ्रिज का फरमाइश हो रहा है, मेरी माली हालत उतना ठीक नहीं है, अब कहीं ना कहीं तो बेटी को इंगेजमेंट हमको कराना ही पड़ेगा। तो देखिए, नीतीश जी बोल दिए हैं कि जो दहेज लेगा उसका शिकायत होगा, ठीक है, दहेज लेना यहाँ पे अब बंद होना चाहिए। तो अब तो आप सीधा नीतीश जी से बात कर सकते हैं कि भाई हमसे दहेज मांगा जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, सीधा नीतीश जी से बात अगर करने की बात है तो वो तो ठीक। मैं पहले अपने खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ, देन शादी। मेरे फादर की जब शादी हुई थी तो उन्होंने भी नहीं लिया था, मेरी शादी हुई तो उन्होंने भी नहीं लिया। जो लेते हैं उनके पास कुछ नहीं है इसलिए वो लेते हैं। तो आपका आपका बैकग्राउंड वैसा है इसलिए आप वैसे मांगते हो। आप अपना बैकग्राउंड सही करो ताकि आपको किसी के पास मांगना ना पड़े। जब आप बाल बच्चे, मतलब आप अपनी संतान को पैदा करते हो तो आपको जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर बेटा हो या बेटी हो, हमको इसका विवाह या इसकी पढ़ाई लिखाई जो भी, एक अच्छे तरीके से करनी है। अरे, मेरे माँ बाप इतना पैसा खर्चा करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनका तो कुछ चाहिए ना। और वैसे कौन आदमी है जो दहेज नहीं लेता है? अच्छा, लड़की से जो शादी करेंगे तो पढ़ी लिखी होगी? क्यों नहीं होगी? तो उसका माँ बाप पैसा खर्च कर रहा है तो वो भी लेगी? जी, ये तो बहुत पहले से ही चलते आ रहा है दहेज पर था। तो पहले जो चलते आ रहा था तो पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, तो नहीं पैसा खर्च नहीं होता था। नहीं, अब लड़कियां पढ़ रही हैं, IIT करके आएंगी और मान लीजिए इंजीनियरिंग करके या मेडिकल करके आएंगी, 50 लाख रुपया उसका माँ बाप भी खर्च करेगा, अब 50 लाख आपका भी माँ बाप खर्च करेगा, तो 10 लाख आपको दहेज का है? नहीं, अगर अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी हो तो कोई दहेज। अगर अच्छी लड़की नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो दहेज लेंगे? करेंगे ही नहीं। मान गए कि दहेज नहीं लेंगे? नहीं, अगर मम्मी पापा बोलते हैं कि दहेज लेना है, शादी तो हमको करना है, अगर मैं बोल दूँ कि शादी नहीं करेंगे जब तक दहेज आप बंद नहीं कीजिएगा, तब तो मानेंगे ही मेरे बात, इसका मतलब मैं दहेज नहीं लूँगा। ये एकदम नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं मोदी का और नीतीश का बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस घर में मेरी शादी हो रही है, जो लड़की हमें मिल रही है, अगर वो एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है,
जो मतलब एक लड़की में गुण होना चाहिए, अगर वो है तो हम नहीं लेंगे। इन द केस अगर नहीं होता, लोग दहेज लेते क्यों हैं? लड़की में है कमी है, लेकिन उसको लेकर उस जो कमी उसको छुपाते हैं और पैसे से उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर ऐसी लड़की मिले जिसमें कोई कमी ना हो, जो पैसे से क्या कमी छुपती है? पैसे से कमी नहीं छुपती है, जैसे अशिक्षित भी हो लेकिन अच्छी हो तो नहीं, अगर नहीं होगी तो जरूर। मतलब अशिक्षित से शादी कर लेंगे पैसा लेने के लिए? अगर जरूरत होगी तो कर लेंगे, अगर बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो। बिहार का युवा एकदम माइंडसेट किया हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट करना है दहेज लेंगे और काली लड़की से शादी करेंगे। लव मैरिज करेंगे, अगर लड़की अकेली हुई, अगर ज्यादा संपत्ति है तो लव मैरिज। ये एकदम देखिए, ये एकदम वो है, क्या बोलते हैं उसको, लॉयल है अपने चीज को लेकर। इनके खून में सीरियसली व्यापार है और ये सोच रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दहेज लेंगे। को पता नहीं, बचपन में हुआ था, बाल विवाह हुआ था इनका। हाँ, नाम क्या है? वेद प्रकाश। अच्छा वेद जी, शादी हुई है आपकी? नहीं हुई। अच्छा तो शादी करिएगा तो दहेज लीजिएगा? दहेज भी मिलेगा? मतलब कोई अपनी बेटी ही दे दे, ये क्या कम है? लड़की वाले को भी हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ सरकारी नौकरी के लालच में आप खुद मोटी रकम दहेज के रूप में देते हैं, इसको बंद कीजिए। ये थे पटना के युवा वेद प्रकाश, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत लोगों को मोटिवेट किया। अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, जाना कि दहेज क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेंगे, तो क्यों लेंगे और नहीं लेंगे तो क्यों लेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि हम लेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है, सदियों से चला आ रहा है। और कुछ ने कहा कि नहीं लेंगे, ये नहीं लेना चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन जहाँ पे उनकी बहन की बारी आ जाती है तब लोग कहते हैं कि हम दहेज देने के लिए तो मजबूर हैं। तो ये चीज़, ये माइंडसेट बदलना है, मेंटालिटी बदलनी होगी लोगों को। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव सिटीज़ के लिए शांभवी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।